ये किले है जिसमें हम पीली मिट्टी में बोन कार्डन लुगदी वगैरह पूरी तरह से मिक्स करके बनाते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में आपके पास किले रहेगी उसमें पूरे गणेश जी बनेंगे, चाहे आपके पास इतना सा भी हो उसमें पूरे गणेश जी बनेंगे। पहले तो हम आसन बनाएंगे, ये आसन बन चुका है ना, ये आसन बना लिया है। आसन इससे ज्यादा पतला ना हो क्योंकि मिट्टी से बना रहे हैं, इससे पतला बनाने से कीड़े होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब इस क्वांटिटी में हमें पूरे गणेश जी बनाना है, हम इसको तीन भाग में बांटेंगे, तीनों भाग बराबर हो। पहले भाग को कुछ नहीं करेंगे हम, दूसरे के दो भाग करेंगे, तीसरे के चार। सभी क्वांटिटी में बराबर हो। अभी क्या इसका पेट बन जाएगा, इसका सर बन जाएगा, इसके लास्ट में हम सूंड और कान बनाएंगे, दो हाथ और दो पैर। अब कोई चीज ऐसी बची नहीं जो हमें बनाना है, इसे पूरे गणेश जी प्रतिमा पूरी बन जाएगी। ये पहला भाग उठाया, तीन भाग का हमने, इसे जो क्रेक ना है इसलिए हम पानी बार बार लगाते रहते हैं। तीसरे भाग का पहला भाग उठाया, ये किया, वी शेप देंगे और बाहर से ही प्रेस करेंगे और इसे हम ऐसा रख देंगे। ये पैर हो गया, इस तरह से प्रेस हो जाएगा। दूसरा भाग लेंगे, तीसरे भाग का दूसरा भाग लेंगे, इसे भी हम वी शेप देंगे। इसे भी वी शेप देने के बाद हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसे इस टाइप से रखकर प्रेस कर देंगे। तीसरा भाग लेंगे, ये तीसरे गोले के जो चार भाग किए थे उसी से हम बना रहे हैं। ये भी वी शेप दिया और हल्का सा प्रेस करके ये प्रेस किया और इधर रखकर इसे हम प्रेस कर देंगे। ये दूसरे को अच्छे से प्रेस करेंगे क्योंकि मिट्टी के बना रहे हैं, खंडित ना हो, हम दर्जन स्थापना करें तो पूर्ण आस्था के साथ हम पूजा पाठ कर सकें। तीसरे गोले का आखिरी भाग जो चार भाग किए थे इसे वी शेप देंगे, ये प्रसाद का है तो हल्का सा इसे स्टेप से प्रेस कर देंगे और इसे इधर रखकर जिसका राइट हैंड किया है उसी तरह इसे भी प्रेस करेंगे। ये किया, ये दूसरे गोले के दो जो भाग किए थे उसका एक भाग उठाया हमने, ये
दूसरे गोले का दूसरा भाग इसे हम अब बांटेंगे तीन भागों में, एक मुकुट हो जाएगा, एक सुंड हो जाएगा और कान के हो जाएंगे। तीनों भाग बराबर हो, एक भाग उठाया, राउंड किया, ये किया, राउंड किया और ये इस तरह से रखकर दूसरा गोला उठाकर हम ये कान बनाएंगे, ये राउंड किया और ये प्रेस किया, दूसरा भी ये राउंड किया, ये प्रेस किया और इसे कानों पे इस तरह से लगा देंगे और दूसरे को अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि गीले में तो चिपक जाते हैं, सूखने के बाद ये निकले नहीं, झड़े नहीं, ये तो प्रतिमा खंडित हो जाएगी। जितनी भी क्वांटिटी में आपके पास किले थी उसमें हमने पूरे गणेश जी बना दिए, ना हमारे पास मिट्टी बची ना कम पड़ी।